24 पर नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चुनावी राज्यों में ईडी अब चुनावी मुद्दा कार्रवाई पर उन्होंने वहां ईडी रेड जिन्होंने छत्तीस को लूटा है उस पर कार्रवाई कुछ नहीं है। बीजेपी को पिक्चर में नहीं है, राजस्थान का डिग्री बीजेपी आपकी कांग्रेस वाले ईडी। विधानसभा चुनाव के मतदान को कुछ ही समय बचा है, लेकिन इस बार कांग्रेस का चुनावी मुद्दा विकास नहीं बल्कि ईडी नजर आ रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अलग अलग मामलों को लेकर ईडी की कार्रवाई लग। कांग्रेस का मानना है कि राजनीतिक दोष के कारण ही ईडी बिना किसी कारण कार्रवाई करके परेशान कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने यहां तक भी कह दिया कि राजस्थान में भाजपा कहीं नहीं है। शाह साहब, उनकी फौज भी वहीं, हमारे और सीबीआई रे का होगा, पड़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना। देखा है, काम हमने किया है, क्योंकि बीजेपी वाले कहीं कुछ नहीं है। ईडी के एजेंट जो है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं। जुड़ी आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ, और इसके कारण से वो आरोप लगा, मुझे बदनाम आरोप लगाते थे और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के हर एक नेता कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी। देखिए, अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ जगहों पर रेड की है, अपनी कार्रवाई का एक बार परिणाम आने दीजिए, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि पानी का पैसा खाने वाले को, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, और पानी का पैसा खाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाला हर व्यक्ति अपने किए का अंजाम भुगते, इसको सुनिश्चित करेंगे। भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है तो ईडी के लिए संवैधानिक। देखिए, अब जब पर्दा उठने लगता है पुराने कुकर्मों पर, तब इस प्रकार का सवाल करते हैं। इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है वो वैधानिकता लिए हुए हैं, अगर उसमें अवैधानिक कोई काम है तो निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए। कुल मिलाकर चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा लगातार हाई है।
कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई इस बार चुनाव में ईडी को चुनावी मुद्दा बनाने का कांग्रेस को फायदा मिलता है या नहीं। प्रदेश में ईडी बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस तो यहाँ तक कहने लगी है कि उसके सामने बीजेपी नहीं ईडी चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी कांग्रेस को कसूरवार ठहराते हुए दावा कर रही है कि ईडी खुद ब खुद चल करके आ रही है, ईडी को बुलाने में उसका कोई रोल नहीं है। ऐसे में देखना है कि जनता है और किस पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस चुनावी शोर में मुद्दे गायब हो गए हैं और ईडी का शोर कई ज्यादा। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वही कांग्रेस के सहयोगी ही अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत रणनीति भी बनाई है। क्या है वो रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। बंधन के दल बने कांग्रेस की मुसीबत। 23 में अलग, 24 में आएंगे साथ। सपा लेफ्ट चुनावी राज्यों में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यूं तो पार्टी इनकी खुली खिलाफत नहीं कर पा रही, ऐसे में जमीनी रिपोर्ट्स और नेताओं से मिली जान से लेकर राज्य इकाइयों को कुछ सुझाव और निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस ने दिए सुझाव और निर्देश। जिन सीटों पर अन्य विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स की टोली जाएगी, वो जनता को समझाएंगे और बताएंगे कि इन सीटों पर कांग्रेस के अलावा किसी भी दल को वोट देने का सीधा मतलब है बीजेपी को फायदा देना। ऐसे में कांग्रेस सीधे सीधे इन दलों पर हमला भी नहीं करेगी और जनता तक उनकी बात भी पहुंच जाएगी। इन सीटों पर जहां तमाम अन्य दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पार्टी किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं रहेगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर नेतृत्व और इकाइयों को एक्टिव रहने को कहा गया है, ताकि कोई भी अन्य दल लीड ना ले पाए। नंबर 3, कांग्रेस नेता INDIA गठबंधन के दलों को बीजेपी का सीधा मददगार बताने से तो बचे, लेकिन अपने भाषणों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बताए कि राज्य में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट कांग्रेस को ही देना होगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता साफ साफ आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। ये बिल्कुल बीजेपी की बी टीम है। अगर आप 2013 को देखोगे, ये किसने बनाई थी, इसके पीछे आइडिया क्या था कि इनको जितनी देर कटर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं और बीजेपी करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी हाई कमांड भी कहीं ना कहीं झांसे में है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कांग्रेस गेन कर रही है। राहुल गांधी जी का जो इमेज है, वो जो बीजेपी ने खराब किया था, देखो राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान है जो मेरे को लगता है कि जो साफ सुथरी राजनीति के पक्ष में है, लेकिन ये क्रुक लोग जो हैं उनको इमेज खराब कर रहे थे। लेकिन आज लोगों को भी समझ आ रही है कि यार ही इज द पर्सन हु स्टूड बाय इंडिया, कि हमारा देश जो है वो अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग बोलियों के आधार पर भी एक है, अनेकता में एकता है। इससे पहले भी चुनावी राज्यों में INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर टकराव सामने आ चुकी है, जिससे सवाल ये भी उठता है कि 23 में अलग थलग चुनाव लड़ रही ये पार्टियां 24 के लोकसभा चुनाव में एक हो पाएंगी या नहीं। ये तो 24 के चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल गठबंधन के सभी पार्टियां चुनावी राज्यों में आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन के अन्य दल जैसे आम आदमी पार्टी, सपा, लेफ्ट चुनावी राज्यों में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यूं तो पार्टी इनकी खुली मुखालफत नहीं कर पा रही है। ऐसे में जमीनी रिपोर्ट्स और नेताओं से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने इसको लेकर राज्य इकाइयों को कुछ सुझाव और निर्देश भी दिए हैं। इनमें पहला निर्देश है कि जिन सीटों पर अन्य विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पार्टी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की टोली यानी करीब 40 सदस्यों की टीम वहां जाएगी, जो जनता को समझाएगी और बताएगी कि इन सीटों पर कांग्रेस के अलावा किसी भी दल को वोट देने का सीधा मतलब है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। ऐसे में कांग्रेस सीधे सीधे इन दलों पर हमला तो नहीं करेगी और जनता तक उनकी बात भी पहुँचा सकेगी। इन सीटों पर जहां तमाम अन्य दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पार्टी किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं रहेगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर नेतृत्व और इकाइयों को एक एक्टिव रहने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी अन्य दल लीड ना ले पाए। कांग्रेस नेता इंडिया गठबंधन के दलों को बीजेपी का सीधा मददगार बताने से तो बचें, लेकिन वे अपने भाषणों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बताएं कि राज्य में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट कांग्रेस को ही दें।
कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। तो 5 राज्यों में कुछ ही दिनों में मतदान होगा। चुनावी राज्यों में पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। इस बार का चुनाव प्रचार और भी खास हो गया है, क्योंकि इस बार प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसे 23 के साथ ही 24 के चुनाव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी घमासान हुआ तेज, चुनाव अभियान में बड़ा बदलाव, अब की बार AI से वार। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी घमासान उतना ही तेज होता जा रहा है। पार्टियां रण में हुंकार भरने के अलावा सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव अभियान के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे बीजेपी, कांग्रेस, IT सेल सोशल मीडिया पर वार पलटवार कर रहे। दोनों दल AI से बनी क्रिएटिव तस्वीरें, वीडियो, रील्स और कार्टून साझा कर रहे। इस चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सभी वोटर्स और प्रत्याशी के बीच पर्सनल कनेक्ट बनाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से प्रत्याशी को एक ही समय में व्यक्तिगत रूप से हजारों वोटर्स से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया प्रबंधन टीम सरकार के संदेश को पहुंचाने के साथ ही विपक्ष की कमियों को हर नागरिक के मोबाइल फोन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। AI का उपयोग हम लोग मैसेज और ब्रॉड कॉल में करेंगे। जो पार्टी के एनिमेशन बन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे डालने वाले, सिर्फ एनिमेशन और इन्हीं चीजों में हम AI का उपयोग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ टेक्स्ट मैसेज, IVRS कॉल है जिसमें पर्टिकुलर हमारे कार्यकर्ता का नाम जाए, उसमें उन्हीं चीजों में हम AI एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। किस प्रकार के किन नेता, उदाहरणतः हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो गए, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा हो गए और अन्य नेता प्रतिपक्ष हो गए, उन सबके जब हम AI कॉल उनकी वॉइस में बनाएंगे ताकि वो कार्यकर्ताओं को नाम के साथ वोट अपील कर सके, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए उनसे निवेदन कर सके, ऐसा हमने प्लान बनाया है। हर तकनीकी पहलू का काम में लिया जाएगा, चाहे AI हो, अन्य तकनीकी तरीके हैं जो प्रचार के माध्यम हो, इसके अलावा परंपरागत तरीके तो अपने हैं ही। निश्चित रूप से आम जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को जिस भी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, उन सब हम जो है तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपना कैंपेन चलाएंगे और उसमें बेहद जरूरी जो हमारी तकनीकी कहना चाहिए, जो हमारे विभाग है, वो चाहे AI हो या अन्य कोई तकनीक हो, जिस जो भी काम में लेंगे, लेकिन कैंपेन बहुत विस्तृत और व्यापक होगा। मतदाताओं के दिमाग पर एनिमेटेड वीडियो और शॉर्ट रील्स गहरा प्रभाव डाल रही हैं। इस तरह के वीडियो और रील्स पार्टियों की ओर से जारी किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ED की छापेमारी, तो भाजपा ने राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर वीडियो जारी किए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने कामकाज और योजनाओं को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। अब देखना होगा कि AI का उपयोग किस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। चुनावी राज्यों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का उपयोग राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार हथियार के रूप में कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने का ये बहुत बेहतर तरीका है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर प्रहार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में AI का उपयोग चुनाव के अंदर किसकी नैया को पार लगाएगा, ये तो परिणाम बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चुनाव में नेता का जनता के साथ रिश्ता बड़ा ही खास हो जाता है। जहां नेताजी कसमें खाकर जनता को हर वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये राजस्थान की जनता है जो सब समझती है। नेताजी के सियासी समीकरणों के ऊपर जनता के अपने समीकरण हैं। देखिए जनता और नेता के रिश्तों पर ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का प्रण गहलोत की हुंकार, जनता करेगी किसका बेड़ा पार। ये राजस्थान है जनाब, यहाँ की जनता नेताजी से चार कदम आगे ही रहती है। आप सोचते रह जाएंगे, आपके सभी समीकरण भी ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन आप राजस्थान के लोगों की सियासी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि दावा तो सभी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल से लेकर सत्ता के आने और जाने की बात भी कही जा रही है। जहां सियासी दल जोश से भरे हुए हैं और आम जनता उत्साह से भरी हुई है,
हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे। अब की बात हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर खूंटी लगी हुई है और हमारी जमीन के अंदर, हमारी जमीन के टच ठेका है वो हमारी जमीन से ही है, उसी के अंदर लाइट दे रखी है और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। हालांकि जोश सभी का हाई है, सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं और जनता के असली शुभचिंतक होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन असली मालिक तो राजस्थान की जनता ही है जिसके दर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। मुद्दे अनेक हैं जो पिछले चुनाव में मुझको पारित होने का वो मिला, अनेक मुद्दे बाकी थे जो रुक गए। क्या कहते हैं उसको, एंटी इनकम्बेंसी, चौरिन में से निंदन में सभापति रहा, निंदन में से 2003 उपसभापति रहा, 2003 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 लगातार 25 साल पद पर रहा, तो एक ही शहर देकर जनता को दिया जाता है बदलाव। 5 साल बदलाव हुआ, मैं बहुत खुश हूँ उस बदलाव से कि मुझे आराम करने का मौका मिला और जनता को तुलना करने का मौका। हालांकि अब लोगों को इंतजार वोटिंग के दिन का है, जब बूथ में जाकर थप्पा लगेगा तो नेताजी की किस्मत का फैसला होगा। फैसला होगा कि क्या राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि हार जीत का समीकरण सिर्फ नेताजी ही नहीं बैठा रहे हैं बल्कि जनता भी सभी समीकरणों पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सियासत का दस्तूर निराला है, जब तक नेता एक दल में होते हैं सुर अलग सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे ही दल बदल होती है सुर ऊपर नीचे होने लगते हैं। आज का दिन नेताओं के इधर और उधर होने के नाम रहा। बीजेपी के कुनबे में कांग्रेस से गिरिराज मलिंगा आए तो पूर्व विधायक दाताराम की बेटी मनीषा गुर्जर कांग्रेस में शामिल हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया। सुना आपने, ये है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले गिरिराज मलिंगा, जिन्होंने कैमरे के सामने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर परेशान करने का आरोप लगाया। परेशानी का आलम इतना था कि बोलते बोलते रुआंसे हो गए। मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया, किसी मुकदमा को लेकर ना ही। पहले FIR दी जाती दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है, मुख्यमंत्री कार्यालय और DGP की यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फैक्चुअल रिपोर्ट, उसमें कहीं भी मेरा नाम मिली जाकर साफ जनता द्वारा कोई मारपीट की गई थी एक AN JN की। उसके बाद में रात को 1:20 पर उसके परीक्षा बयान पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। टिकट के कहा जाए आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है, भाई मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मोदी जी की रीति नीति देख के ना ही, मैं बीजेपी के कार्य से प्रभावित होके ना ही, मैंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मुझे मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, JP नड्डा जी पे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, मुझे उनके ऊपर विश्वास है, मैं उनकी रीति नीति को देख के ना ही मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन की। चुनावी मौसम में नेताओं के इधर उधर होने का सिलसिला कोई नया तो है नहीं, लेकिन चुनावी बयार में नेताओं का दूसरे दल में उड़कर आना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। जयपुर में कांग्रेस से विधायक रहे गिरिराज मलिंगा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।